स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को प्रातः 8 बजे चक्कर की मिलक स्थित सपा कार्यालय पर पूरी शान शौकत के साथ तिरंगा परचम लहराया गया, राष्ट्रगान हुआ, मिठाई तकसीम की गई और तिरंगे को सलामी दी गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सपा जिलाध्यक्ष राजीव सिंघल ने सभी लोगों को यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, महानगर वासियों को मेरी ओर से और तमाम समाजवादी परिवार की ओर से आज़ादी की इस 73वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपा महानगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद तौसीफ उर्फ हाजी मनु कुरैशी ने इस अवसर पर कहा, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो ये दिन हमें नसीब हुआ है, लोगों की बहुत ही कुर्बानियां इसमें रही हैं और हमारे जो इसमें शहीद हुए हैं मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां जिला कार्यालय पर जिला और महानगर के सभी पदाधिकारी, यहां कार्यकर्ता, सीनियर साथीगण सभी यहां मौजूद हैं और सभी ने मिलजुल कर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया है और इस पर्व को सभी लोगों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। हमारा देश बहुत ही मुश्किल से, मतलब यह हमें नसीब हुआ है, बहुत हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर हर पर्व मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस भी उसी तरह सभी को मनाना चाहिए। इस दौरान अन्य लोगों के साथ साथ जिला महासचिव मोहम्मद लयक अंसारी, जिला उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ के चेयरमैन जयवीर सिंह यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव, जिला सचिव ऋषि यादव, पूर्व जिला सचिव प्रेम बाबू वाल्मीकि, महानगर महासचिव धर्मेंद्र यादव, महानगर सचिव अलहाज नेता सिद्दीक कुरैशी, अमीर हुसैन अंसारी, नदीम सलमानी, मोहम्मद शारिक कुरैशी, नगर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हाजी इशरत, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वाहन सिंह यादव, व्यापार प्रकोष्ठ के मंडलाध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा तथा लुकमान खां, अब्दुल करीम खां, सरताज सैफी आदि भी मौजूद रहे।